Hey guys, what's up? Welcome back to another gameplay video. तो guys, आज की वीडियो में हम लोग फिर से खेलने जा रहे हैं Skyblock. So, तुम्हें हमें लास्ट वाली वीडियो में याद होगा कि हमने यहाँ पर टोटम्स को अपग्रेड किया था, मतलब दो टोटम्स और ऐड कर दिए इसके अंदर, रेडस्टोन वाला एंड गोल्ड वाला. तो उसके बाद गाइस तुम लोग को पता होगा कि मैंने एक लास्ट में नैदर पोर्टल बनाया जिसके अंदर भाई वो मतलब मेरे को लगा था मैं नैदर के अंदर जाऊंगा, वहां पर से लेके आऊंगा ऑब्सीडियन एंड ब्लेज रॉड्स, लेकिन नहीं, यहां पर जो नैदर के अंदर जाने की ट्राई करते हैं तो ब्लेजेस यहीं पर आ जाती हैं भाई. ऐसा तो भैया ये वर्ल्ड है, ठीक है, मैं क्या ही बोलूँ तुम्हें इस वाले वर्ल्ड के बारे में. तो ओके, तो अभी आज की जो मेन बात है वो मैं तुम्हें बताता हूँ. तुम्हें पता है कि यहाँ पर बहुत सारे खतरे बढ़ चुके हैं क्योंकि अभी हमने नैदर के अंदर भी पैर रखना शुरू कर दिया है. तो अभी मेरे पास एक आइडिया है, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर ये देखो मैंने ये बना दिया एक स्टोन की मशीन, ठीक है. तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ मैं तुम्हें बता देता हूँ सीधा ही. फाइनली मैं यहाँ पर एक घर बनाने वाला हूँ जिसके अंदर मैं सारा का सारा सामान स्टोर करूँगा, ठीक है. तो अभी सामान तो स्टोर करना है एंड घर भी बनाना है, लेकिन घर मैं सोच रहा हूँ थोड़ा अच्छा बनाए, ठीक है, क्योंकि यार टेंशन है यहाँ पर कोई बात नहीं है, लेकिन घर तो अच्छा होना चाहिए ना. तो अभी अच्छा सा घर बनाते हैं. एंड अभी ना नीचे से जाके मेरे को यहाँ पर इसको लावा को नीचे से बंद करना है. वैसे ऐसे इसको नीचे जाता रहे कोई बात नहीं, लेकिन बंद करना मेरे को अच्छा लगेगा. तो ओके, तो ये अपने ऐसे करके सेट कर दिया है, इस साइड नहीं आना चाहिए मतलब, ठीक है, ये वाला लावा वहाँ पर से सीधा गिरे कोई बात नहीं, साइड में नहीं फैलना चाहिए. ओके, तो अभी मेरे को यहाँ पर मेरी पिकैक्स कहाँ है मेरे को लेके आओ. एंड अभी मैं यहाँ पर बैठकर ग्राइंडिंग करने वाला हूँ स्टोन तोड़ने के लिए, फिर घर बनाना शुरू करते हैं. लेट्स गो, तोड़ते हैं स्टोन्स को जल्दी से एंड बनाते हैं अपना घर प्यारा सा. तोड़ो 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 तोड़ो, भाई साहब घंटे लग गए भाई, लेकिन मैंने थोड़ी बहुत इसके अंदर चेंजेस किए हैं अपने जो स्टोन वाली मशीन है. सो लेट्स गो, यहाँ पर काफ़ी सारा कॉबल स्टोन इकट्ठा हो चुका है. तो मैंने बेसिकली यहाँ पर मेरे पास जितना भी आयरन था, क्योंकि खुला आयरन आ रहा है क्योंकि टोटम अपन को फ्री का आयरन दे रहे हैं, डायमंड्स दे रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पर से आयरन उठाया एंड मैंने हॉपर्स वॉपर बनाकर पानी वानी लगाकर स्पाइडरमैन बनकर इसको चेस्ट के साथ कनेक्ट कर दिया था. एंड वो नीचे ना आइलैंड है, वहाँ पर मेरे को जाना है, लेकिन मैं डर रहा हूँ थोड़ा सा क्योंकि वहाँ पर मैंने एक बहुत ही खतरनाक वाला क्रीचर उठता देख लिया पिछली वाली वीडियो में, थोड़ा सा डर लग रहा है. एंड थोड़े थोड़े टाइम के बाद भाई मेरे को यहाँ पर से ये वाली लूट भी उठानी पड़ती है, क्योंकि बिना मतलब के ये बंदे अगर लूट नहीं उठाते ना तो वो ब्लैक ब्लैक कलर का जो क्या होता है उसको डार्कनेस वाला इफेक्ट वो लगा देता है, ब्लाइंडनेस, ठीक है. ओके गाइस, तो अभी मेरे पास काफ़ी सारी वुड हो चुकी है, तो अभी मैं सीधा सा बात है भाई वुड इकट्ठी कर ली है, तो अभी यहाँ पर घर बनाना शुरू करते हैं. तो यहाँ पर गाइज मैं लगाने वाला हूँ ओक की स्टेयर्स बनाने वाला हूँ मैं, तो स्लैब्स लेकर आया हूँ सबसे पहले. तो मैं स्लैब्स के साथ ही अपने ऊपर चल जाने के लिए एक स्टेयर्स बनाते हैं. एंड मैं सोच रहा हूँ उसको या फोर ब्लॉक्स का कर देते हैं, ठीक है, अच्छा लगेगा. एंड थोड़ा सा भाई वो फीलिंग अच्छी आती है क्योंकि जो अगर खुली डुली जगह बनेगी हो. एंड कूल सा घर बनाने वाला हूँ, तो मैं देखते ही तुम बोलोगे भाई क्या बनाए, क्योंकि बहुत टाइम के बाद बिल्डिंग करने वाला हूँ. एंड तुम्हें पता ब्रदर्स एसएमपी के अंदर मैं बिल्डिंग करता था, वहाँ पर लोकी वाला सीन चल रहा है, तो भी बिल्डिंग करने का मन है तो कर लेते हैं यहाँ पर. ओके गाइस, तो अभी मैंने यहाँ पर कुछ इसकी आउटलाइन बना ली है. आउटलाइन बनाने के बाद तुम्हें पता है मैं यहाँ पर ये वाले ब्लॉक्स को फिल करने वाला हूँ, क्योंकि यार अभी ना मेरे पास कबल स्टोन है, तो मैं कबल स्टोन के साथ ही घर बनाना प्रेफर करूँगा, ठीक है, तो कबल स्टोन इसीलिए मैंने इकट्ठा किया है. तो लेट्स गो, इनको मैं जल्दी से यहाँ पर भर देता हूँ कबल स्टोन को इस यहाँ पर बेस के अंदर. एंड फिर तो मैं बताता हूँ नेक्स्ट क्या करना है मेरे को. लेट्स गो, जल्दी से इसको भर देते हैं. तो ओके गाइस, अभी यहाँ पर मैं पिलर्स बनाने वाला हूँ जो कि लगभग 6 ब्लॉक के जाएंगे बस, ठीक है, 6 ब्लॉक के मैं चारों साइड पे पिलर बनाने वाला हूँ. सो लेट्स गो, जल्दी से पिलर्स का काम भी ख़त्म कर देते हैं, लेट्स गो. तो ओके गाइस, अभी मेरे को ना एक ब्लॉक बाहर निकाल के इसको कनेक्ट करना है चारों साइड से, ठीक है, बॉडी के साथ, ये बनेगा साइड वाला. ओके,
तो मैंने अभी इतना सा घर रेडी कर लिया, ठीक है। एंड मैंने साइड में ये कॉबलस्टोन भर दिया एंड ऊपर से मैंने इसको ऐसा कुछ डोम की शेप दी है। तो अभी मैं यहाँ पर, पता है काफ़ी मेरे पास स्टोन थे जो ख़त्म हो चुके थे, अभी काफ़ी सारा टाइम लगा कर इनको दोबारा से माइन कर एंड इनकी ये वाली स्टोन ब्रिक्स बना के लेके आया हूँ। इनको मैं यहाँ पर फिल करने वाला हूँ क्योंकि घर थोड़ा सा अच्छा भी लगना चाहिए ना, अगर सारे के अंदर ये वुड या इसको भर दिया कॉबलस्टोन को तो अच्छा नहीं लगेगा। इसके लिए फिलिंग कर देते हैं, इसके साथ भी थोड़ी बहुत डेकोरेशन हो जाएगी। एंड यहाँ पर लगने वाला है हमारा ये वुड के साथ, यहाँ पर मैं अच्छी सी कूल सी करके ना खिड़कियाँ बनाने वाला हूँ। एंड अभी अंदर चलते हैं क्योंकि मेरा भाई डर लग रहा है क्योंकि इसके ऊपर यहाँ से काम करना ना भाई बहुत ख़तरनाक वाली बात है। तो यहाँ पर ये कुछ ऐसा लगेगा एंड इसको सारों साइड में भर देते हैं, ठीक है, मतलब तीनों साइड के अंदर। ओके गाइस, बहुत टाइम लग गया इसको बनाने में लेकिन फाइनली तुम्हारे भाई ने बना दिया है घर, लेट्स गो भाई। मानो चाहे ना मानो, ठीक है, यहाँ पर इस वर्ल्ड के अंदर रिसोर्सेज की कमी होने की वजह से भी बाद भी तुम्हारे भाई ने अपनी कलाकृति को दिखाते हुए, कलाकृति का प्रदर्शन करते हुए ये चीज़ बनाई है। अगर अच्छी लगी तो भाई कमेंट कर देना, ठीक है, भी कैसी लग रही है। एंड मेरे को तो भैया मैं बताऊंगा भाई कूल लग रही है, ठीक है भाई। मतलब ये देखो सारा का सारा सामान भी अपने रख लिया एंड ये ग्लासेस, कोई ऐसे नहीं बोलेगा कि भाई कहाँ से लेगा, तुम्हें पता है सैंड मिलती है वहाँ पर टोटम से, तो वहाँ के ये बना लिया। एंड ये मैंने तुम्हें बोला था ना कुछ ऐसा अच्छा सा बनाएंगे, ये देखो। एंड ऊपर जाकर ये इतना बड़ा हमारा भाई, ऊपर से तो भाई काफ़ी कूल लग रहा है ना, ये ग्रीन ग्रीन कलर का भाई अपनी स्किन के साथ मैच कर रहा है। एंड यहाँ पर मैंने ये चेस्ट लगा दी, यहाँ पर ये अपना चेस्ट रूम है, इसके अंदर अपन सारा का सारा सामान जो बाहर पड़ा है ना उसको यहाँ पर लेकर आएंगे। एंड आगे मेरे नेक्स्ट वाली वीडियो के लिए भी काफ़ी सारे प्लान्स हैं जो कि मैं तुम्हें नेक्स्ट वाली वीडियो के ही अंदर ही बताऊँगा भाई क्या करना है अपन को। तो अभी लेट्स को जल्दी से ना चलते हैं। एंड मेरे को पता क्या करना है, अभी मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ी सी वीडियो के अंदर और लेंथ बड़ी कर देते हैं इसकी, घर तो मैंने बना लिया जैसे भी करके। एंड अभी मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पर वो कर दूँ, इनको अपग्रेड कर दूँ। इनको अपग्रेड करने के लिए बेसिकली मेरे को ब्लेजेस के साथ लड़ना पड़ेगा, कोई बात नहीं, 8 ब्लेज रॉड ही चाहिए मेरे को। लेट्स गो, जल्दी से लड़ाई करते हैं, तैयारी करते हैं। तो ओके गाइस, अभी इसके बाद मैंने फिर अपना आयरन का आर्मर रेडी किया, वेपन्स रेडी किए एंड ब्लेजेस के साथ लड़ाई करनी शुरू कर दी। तो लड़ाई करते करते काफ़ी लंबी वीडियो बन गई थी, लगभग 2 घंटे की रिकॉर्डिंग हो गई थी क्योंकि मैं कितनी बार मारा हूँ मेरे को पता है। तो इसीलिए इसको मैंने थोड़ा सा काट दिया एंड ये तुम्हें शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दिया है। ओके गाइस, तो अभी इतना टाइम लड़ाई करने के बाद फाइनली मेरे पास सामान इकट्ठा हो चुका है एंड अभी इनको अपग्रेड करते हैं जो हमारे टोटम्स हैं। एंड धीरे 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 एंड ऑब्सीडियन के भी इनमें से ही मिल रहे हैं अपन को एंड इनको करते हैं अपग्रेड। एंड ओ भाई साहब, ओ भाई ये कितना कूल था यार, भाई तुमने देखा कितना, ओके इन्फर्नल, ये लेवल 6 का हो जाएगा इसके बाद टोटम, है ना। पता नहीं भाई ये कैसे बनेगा लेकिन कूल है। नीचे ये आइलैंड है, इसको एक्सप्लोर करना है मेरे को। एंड भाई ये कितना कूल था ना, एक मिनट दूसरे वाले को भी करते हैं। एंड भाई बहुत कूल है ये, लेट्स गो, इसको करते हैं अपग्रेड। एंड ये देखना भाई, ये ओ भाई शिट शिट भाई कितना कूल है यार ये। एंड नो भाई यहाँ पर तो नहीं जाना था। ओके गाइस, तो इस वाली वीडियो को यहीं पर रखते हैं, अच्छी लगी लाइक करना, सब्सक्राइब कर दो, कमेंट कर दो, फॉलो कर लो, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।